रायकोट से फेरी मेडोज तक का सफर, ऊंचे पहाड़, मुश्किल रास्ते, मैं और मेरे दोस्त, और फिर पकड़ी हमने 4x4 और हम निकल पड़े फेरी मेडोज के लिए और पहाड़ों से निकलते हुए ठंडा पानी। तो अब हमारी हाइकिंग स्टार्ट हो रही है, 3 घंटे का सफर है तकरीबन, ठीक है, हमें यहाँ से जाना है। लड़कियाँ थोड़ी आगे निकल गई हैं क्योंकि हमने बोला हम आराम से आ रहे हैं, ठीक है, और 3 घंटे होटल पे पहुँचने के बाद दोबारा 2 घंटे का सफर आसानी है। और आप फॉलो करते रहें और देखते रहें। रास्ता काफ़ी मुश्किल था जैसा कि आप देख सकते हैं। हाइकिंग स्टार्ट होने से पहले मैंने लगा ली अपने दूसरी शर्त, मैडम से निकल गई घोड़े पर और रह गया मैं। यार घोड़े का लड़के घोड़े का ख्याल रखना। तो फाइनली 4 घंटे के बाद फेरी मेडोज पहुंच गए, और फेरी मेडोज पहुंचने के बाद मेरी हालत तो बहुत बुरी हो गई है। हाइकिंग इतनी आसान नहीं थी जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके बाद जब से पॉइंट पर स्टार्ट हुआ है ना, तो थोड़ी सी एनर्जी से आ गई, और दूसरा तो मैंने कहा था 2 कप कावा पी लिया, और उसके बाद बॉन फायर के बाद अभी एक गेम स्टार्ट हो गई अंदाज करेगा, तो सीन बहुत ज़बरदस्त हो गया है और माहौल भी बन गया है। तो माहौल अपने आप को दिखा, कैसे बताए तू तुझको चाहे यारा बता ना पाए। बातें दिलों की देखो जो बाकी आके तुझे समझाए, तू जाने ना। सो हाइकिंग के बाद हालत बहुत बुरी हो गई है, हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही है, पेनाडोल खाई है। अंदाज़ा नहीं था कि इतनी लंबी हाइकिंग होगी। अब कैंप में आ गया हूँ, कैंप में थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, फिर रात में बॉन फायर है, डिनर, फिर थोड़ा सा अल्ला गुल्ला। हाइकिंग करना हर किसी की बस की बात नहीं है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन करने में बहुत ही कोई मुश्किल है हाइकिंग। सो अब मिलता हूँ मैं सोने के बाद। फेरी मेडोज को लुफ्त उठाते उठाते हमें लग गई भूख। नाश्ते के बाद क्रिकेट और आपका भाई ना हो ऐसा हो सकता है क्या? फाइनली अभी हम फेरी मेडोज पहुँच चुके हैं। कल रात हम लोग फेरी मेडोज पहुँच गए थे। फेरी मेडोज पहुँचने के बाद ना पूछे क्या हाल हुआ, 5 घंटे की हाइकिंग आसान नहीं होती। मेरे ख्याल में हम लोग को ऑलमोस्ट 6 से 6.5 घंटे लगे फेरी मेडोज पे आने के लिए। जो लोग ये कहते हैं कि यार कुछ नहीं होता चले आएंगे, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है हाइकिंग करना। सीरियसली मैं ख़ुद भी ऐसा कहता था कि यार हाइकिंग ईजिली हो जाएगी मुझसे, लेकिन हो नहीं पाई। और आप बताएं आपकी हाइकिंग कैसी थी? अच्छा मज़े की बात आपको मैं बताऊँ, इन्होंने हाइकिंग नहीं करी, ठीक है, घोड़ा इन्होंने ज़रूर बीमार करा है। हाइकिंग के वाले से ये कैसे चलूँ कि हाइकिंग दोबारा नहीं करेगी आपको।
जो लोग रनिंग करते हैं या जिन लोगों को आदत है चलने की, वो लोग हाइकिंग करें, एक सोच के अपना माइंड रेडी करके आएँ जब भी आप हाइकिंग के लिए आएँ। क्योंकि मैं भी सोचता था शायद चौड़े में यार हो जाएगा ना हाइकिंग, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। आधे रास्ते में मैं कितनी बार रास्ते में कितनी बार बैठा हूँ ये भी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे करना था जो मैंने करा। सो मिलता है। लेकिन अगर आप आपने बेट लगा ली हो हाइकिंग की, अगर आप नहीं कर सके तो प्लीज़ आप ईगो में आके हाइकिंग नहीं करें, बिकॉज हेल्थ कम्स फर्स्ट। ऑलराइट, देखिए मेरा नाम तो सईद मोहम्मद मुनाफ था, तो इसलिए मुझे करना था जो मैंने कर दिखाया। जो हाइकिंग एक्सपीरियंस मुझे लगा था कि मैं हाइकिंग कर लूँगी, बट जैसे हम इस माउंटेन्स में, इट वॉज यू नो ऑल द वे दिस राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और वो बहुत 3 to 4 hours की हाइकिंग थी। आई कुडंट डू इट, आई वॉन्टेड टू डू इट एंड आई वॉज लाइक यू नो प्रीटी चौड़ी, हाँ मैं कर लूँगी, बट आई कुडंट डू इट। तो आधे रास्ते से भी कम रास्ते में आई टुक अ हॉर्स एंड आई वेंट अवे लाइक अ खलीसी। भाई मैं सबको ये एडवाइस करूँगा कि दूर के ढोल जो है ना वो सुहाने होते हैं। हाइकिंग करी हमने और फेफड़ा ना यहाँ को आ गया था हलक को कलेजा मैं, लेकिन ऊपर आने के बाद जो ना सब नॉर्मल हो गया, क्योंकि व्यूज़ ऐसे है ना माशाल्लाह से। ओके की रिपोर्ट है, ऊपर आ गया। बाकी हाइकिंग का मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी था, मैडनेस थे, बहुत ज़्यादा व्लॉग्स देखे थे जहाँ पे मैंने सुना था फेरी मेडोज एक जगह है, लेकिन सीरियसली टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा मैडनेस है, बहुत ज़्यादा क्रेजी है, नॉर्मल बंदे का बिल्कुल काम नहीं है। अगर आप मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड है और आप सेटिस्फाई हैं कि आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना तो आप मेरे ख्याल से आप गाड़ी में ही नहीं बैठ पाएंगे नीचे से रायकोट से। इट वॉज गुड बट इट वॉज रियली टायरिंग, बहुत थक गई मैं एंड नाउ आई एम स्केयर्ड ऑफ वॉकिंग, हाइकिंग, क्रॉलिंग, डर लगने लगा है मुझे चलने से, बट स्टिल इट वॉज गुड, आई लाइक इट। बहुत एडवेंचरस था लेकिन इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस एज आई एम अ कराचीड एंड आई हैव नो हैबिट ऑफ वॉकिंग लाइक दैट एंड उसके बाद फिर मुझे फाइनली हॉर्स लेना ही पड़ा और फिर मैं उस ऊपर आई। लेकिन ये कि रास्ता बहुत ख़तरनाक था लेकिन बहुत खूबसूरत था, ज़रूर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हाइकिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, हमने इधर रायकोट से 2 घंटे फिर हमने 4x4 की और उसके बाद हाइकिंग करते आए हम, मैं, वकास और 2 गर्ल्स जो है हम सबसे फर्स्ट पहुंचे हैं, और बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। थोड़ा बहुत कहीं जगह स्टीप था तो उधर थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ी, कुछ हमने ब्रेक्स लिए बीच में, एक चाय भी पी। अभी हम ट्रैकिंग करते हुए आ रहे हैं और हम ब्याल कैंप की तरफ जा रहे हैं, जहाँ के नज़ारे कुछ और ही कह रहे हैं। जो हमने लास्ट नाइट हाइकिंग करी वो ज़ाया नहीं गई ये व्यू देखने के बाद, तो व्यू देखें आप। तेरी आँखों की नमकीन मस्तियाँ, तेरी जुल्फों की लहराती अंगड़ाइयाँ, नहीं भूलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। तो भाई सीन ऐसा है कि हाइकिंग करते वक्त, ठीक है, रास्ते में बारिश हो गई, और बारिश वो जो अक्सर होता है ना कि वो मूवीज़ में आपने देखा होगा, फिल्मों में एक लकड़ी का घर बना हुआ होता है और बारिश होती है, चारों तरफ आपके जंगल होता है और कुछ भी नहीं होता, तो आप वहाँ स्टे कर लेते हो, ये वही सीन लग रहा है मूवीज़ में देखा था, आज रियलिटी में सब हो चुका है। ब्याल कैंप पहुँचते ही बारिश हो गई बहुत तेज़, तो हमने किया वापसी का रुख। तो अभी मैं फेरी मेडोज़ पे हूँ, 2 दिन गुजारने के बाद नाइट स्टे मैंने कैंप में नाइट स्टे करा है, उसके बाद अभी हम लोग जवासी रवाना हो रहे हैं। नीचे हम कहाँ से चले थे वसीम भाई? रायकोट से हम लोग रायकोट से चले थे फेरी मेडोज़ तक, फेरी मेडोज़ के बाद हम कहाँ तक गए? ब्याल कैंप। ब्याल कैंप गए, ब्याल कैंप के बाद हम वापसी आए, लेकिन मसला ये था कि रास्ते में हो गई बारिश और साथ में थी लड़कियाँ, जहाँ 2 घंटे का हम लोग की वॉकिंग था वहाँ हम लोग को तकरीबन 4 से 5 घंटे लग गए, आपको तो पता ही है कि वो फिर क्या होता है। तो अब क्या सीन है वसीम भाई? अब इंशाल्लाह यहाँ से नीचे रायकोट जाएंगे, रायकोट से आगे गिलगित से होते हुए उंजा जाएंगे, वहाँ पे अपना 3 पहाड़ी सिलसिले वहाँ पे आके मिलते हैं, कोई अमलिया, कोई अंधे कोश और कोई कराक्रम, वहाँ पे रोकेंगे 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए,
फिर वहाँ से आगे इंशाल्लाह गिलगित से होती हुई उनजा इंशाल्लाह। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ, कभी भी आप हाइकिंग करें लड़कियों के साथ ना करें, जो ख़ास तौर पर थोड़ी मम्मी डैडी होती हैं उनके साथ बिल्कुल भी ना करें, खुद पे डिपेंड करें खुद पे। जाए हाइकिंग इतनी आसान नहीं है, मैं भी ऐसी समझता था कि यार बहुत ईजी है मैं तो कर लूँगा, लेकिन शायद मैं जल्दी भी कर लेता, लेकिन लड़कियों की वजह से रुकना पड़ा कुछ कुछ जगहों पे ना, क्योंकि हेल्प करनी थी। अब दिल तो आपको पता है ऐसा है नहीं कि मैं अकेला निकल पड़ूँ। तो हम मिलते हैं दोबारा।